गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है और सीटेट के पेपर में तो खासकर। तो वो टॉपिक है हमारा त्रुटि विश्लेषण एवं संबंधित पहलू या एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, यानी एरर एनालिसिस के ऊपर जो है क्वेश्चन जरूर बनता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई त्रुटि विश्लेषण या एरर एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, तो एरर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र सभी बातों को पूर्ण रूप से सीख पाए हैं या नहीं, इसकी जांच है तो उनका मूल्यांकन किया जाता है। यानी कोई भी चीज़ टीचर ने पढ़ाई, अब वो कितना सीखा उसके लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। अगर उनके सीखने में कहीं त्रुटि या कमजोरी रह गई है तो उनके कारण का पता लगाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। इस प्रकार छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं त्रुटियों का ज्ञान प्राप्त कर उनके कारणों की खोज करना ही त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग कि यानी कमजोरी पता लगाई और कमजोरी किन कारणों से हो रही है उसका विश्लेषण करना ही त्रुटि विश्लेषण या एरर एनालिसिस कहलाता है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, यही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा त्रुटि विश्लेषण का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है एरर एनालिसिस की। ठीक है, तो देखिए इम्पोर्टेंस की बात करें अगर हम, तो त्रुटि विश्लेषण से यह पता चलता है कि बच्चे गणित की अवधारणा या किसी भी सब्जेक्ट की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट किस तरह से वो सीख रहे हैं, इसका हमें पता चलता है। कमियों का पता चलने के बाद उनका उपचारात्मक शिक्षण देना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जब तक पहले कमी का पता लगाते हैं हम त्रुटि विश्लेषण से, और फिर कमी पता लग गई किन कारणों से हो रही है, तो हम जो हम टीचिंग देंगे रेमेडियल टीचिंग वो इजी हो जाएगी, उसकी कमजोरी जो है वो दूर हो जाएगी, और इससे आप और भी बना सकते हो, उसका मैथ का फियर कम हो सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए है, कह रहा है कि गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, सही क्योंकि ये बोध कराते हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं। तो आपका यहाँ पे उत्तर नंबर थर्ड जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि बच्चे कोई भी चीज़ किस तरह से वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, तो इस तरह से जो है आपके एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं जो क्वेश्चन, वो भी मैं साथ साथ कराते रहूँगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे जो त्रुटियाँ होती है यानी एरर्स जो होती हैं उनके टाइप कौन कौन से होते हैं, और जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन वो भी आपको कराऊंगा मैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्थानीय मान संबंधित त्रुटि, यानी एरर रिलेटेड टू प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आई थिंक आपको पता होगा, जैसे बच्चा क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है 4038 और 438, इसमें अंतर ना कर पाना उस बच्चे को पता ही नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि उसका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर टीचर ने बोला 550 लिखने के लिए, तो 550 को इस तरह से लिखता है क्योंकि उसको प्लेस वैल्यू का ज्ञान नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे प्लेस वैल्यू से रिलेटेड जो एरर होती है वो इस तरह से होती है। आपके इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया है, वो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, देखिए कोई छात्र 5050 को ये लिख देता है, 550 लिखता है, इसका अर्थ है कि, तो अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू की क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट। सेकंड है स्थान संख्याओं का ज्ञान नहीं है, नहीं हो सकता। गणित का ज्ञान नहीं है, गलत है। जोड़ का ज्ञान नहीं है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि उसको प्लेस वैल्यू में दिक्कत है, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। ठीक है, एक ये होगी आपके एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं आपके एरर भिन्न से संबंधित त्रुटि, यानी एरर रिलेटेड टू फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में क्या करता है बच्चा, जैसे आपको दिख रहा होगा 3/5 प्लस 2/7 वो बराबर क्या करेगा, 5/12, यानी 3 और 2 को उसने प्लस कर दिया, ऊपर वालों को 5 लग दिया और नीचे 5 और 7 को ऐड कर दिया इस तरह से। ऐसे देखिए सेकंड जो दिया हुआ है 5/6 - 1/5 वो बराबर क्या लिख देगा, 4/1, यानी 5 में से 1 घटा दिया ऊपर ऊपर में से, और नीचे 6 में से 5 घटा दिया, 1 कर दिया। तो जबकि ऐसा नहीं होता है, भिन्न में जो है एलसीएम लेके पूरा प्रोसेस अलग होता है। तो ये होते हैं उसको, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो फ्रैक्शन से रिलेटेड जो है एरर करता है। इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा गया है, चलिए वो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया हुआ है।
तो आपका क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्या है, कक्षा 5 का विद्यार्थी समस्या 1/2 / 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते थे, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 के टुकड़े हैं, इसका कारण क्या है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ था। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, विद्यार्थी इन दो समस्याओं के गणितीय तुल्यता को समझने के योग्य नहीं है। नहीं, क्योंकि उसने तो फर्स्ट पार्ट तो कर दिया ना, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। विद्यार्थियों की भाषा विकास बहुत खराब है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड, समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 5वीं क्लास में। ऑप्शन नंबर 4 है, कह रहा है भिन्नों की संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता पढ़ाई गई है। यानी ऑप्शन नंबर 4 में यही कह रहा है कि ये कॉन्सेप्ट जो है उनको ढंग से नहीं समझाया गया है। कैलकुलेशन तो सिखा दी गई है, लेकिन रियलिटी में क्या है कॉन्सेप्ट वो नहीं बताया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि वो उसको नॉलेज नहीं है। वो कैलकुलेशन तो सीख गया, लेकिन उसको पता नहीं है भिन्न होता क्या है, फ्रैक्शन होती क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है। चलिए अगली एरर देखते हैं हम लोग। आपकी अगली एरर आती है दशमलव संबंधित त्रुटि, एरर रिलेटेड टू डेसिमल्स। अब ये क्या है, इसमें जो है बच्चा, डेसिमल्स का मतलब क्या है, देखिए जैसे 1.5 और 1.05, इसमें वो बता नहीं पाएगा कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। तो उसने उसको क्या बता दिया, 1.05 को उसने बड़ा बना दिया, क्योंकि यहाँ पे उसको 3 डिजिट दिख रही है और यहाँ पे उसको 2 डिजिट दिख रही है, इसलिए उसको ज्ञान नहीं है डेसिमल्स का, इसलिए उसने सर बड़ा बता दिया। ऐसे 0.023 उसने बड़ा बना दिया 23 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको 4 डिजिट दिख रही है, उसको डेसिमल का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए उसने इसको बड़ा बता दिया। ऐसे 2.3 और 23, उसमें उसको अंतर नहीं कर पा रहा है कि क्या ये बराबर है, क्योंकि इसमें उसको दोनों को डिजिट दिखी 23 23, तो उसने दोनों को बराबर कर दिया, जबकि ये कॉन्सेप्ट उसका डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए कौन सा आया है, ये वाला। प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं, उदाहरण के लिए 0.50 और 0.5 से बड़ा है, इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। अब देखिए 0.50 और 0.5 से उसने बड़ा बता दिया, जबकि है क्या, ये दोनों इक्वल है, उसका मतलब क्या हुआ, उसको दशमलव में यानी डेसिमल्स में उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, यानी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलिए अगली एरर देखते हैं। फिर अगली एरर है हमारी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर से रिलेटेड जो एरर है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, बच्चे को जैसे ये दिया हुआ है 5 - 6, वो क्या लिख रहा है, उसको ये तो पता है 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे उसको प्लस माइनस का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए उसने क्या लिख दिया, 1, जबकि आना क्या चाहिए था, -1। ऐसे ही -8 उसने 0 कर दिया, यानी 8 में से 8 गया था 0, जबकि उसको पता नहीं है साइन का कि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, उसने -16 आना चाहिए था, उसने 0 लिख दिया। ऐसे ही -7 + 2 = 9 कर दिया उसने, उसको लगा बीच में प्लस है तो उसने 7 और 2 को छोड़ दिया, जबकि उसको पता ही नहीं माइनस प्लस माइनस होती है, यानी 7 में से 2 5 आएगा। तो ये आपका जो है एरर है। तो चलिए आगे देखते हैं, एरर ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अब यानी उसको क्या है, कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का क्लियर नहीं है, ये इससे रिलेटेड भी देख लेते हैं। जैसे ये है क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये बच्चे को क्वेश्चन दिया गया कि व्यास दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल बताएं। उसने क्या करा, बालक ने अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका हल निम्न प्रकार किया, क्या करा उसने, उसने वृत्त का क्षेत्रफल 2πr लगा दिया, 2 × 22/7 = r इंटू आर, 44 आ गया। तो ये क्या हुआ, एक तो यहाँ पे उसने क्षेत्रफल बोला था, उसने क्या लगाया, पेरीमीटर, परिमाप वाला लगा दिया फॉर्मूला, ये गलत हो गया। और इसने जो है व्यास को आधा भी नहीं करा, उसको इसका भी ज्ञान नहीं था, यानी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्ट जो उसको क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज में एरर है। आगे देखते हैं, अब ये कुछ और तरह के एरर्स है, जैसे एरर ड्यू टू यूज़ ऑफ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, उसने कॉन्सेप्ट ही गलत यूज़ कर दिया, एरर ड्यू टू
रॉन्ग कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस ने गलत कर दी, उस राइटर में भी एरर हो सकती है। एरर ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कौन ध्यान नहीं है तो भी गलतियाँ होंगी। एरर ड्यू टू नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मैथमेटिक्स, यानी मैथ को उतनी वैल्यू नहीं देता या मैथ से डरता है, तो भी जो है वो इसके कारण होते हैं मैथ में गलतियाँ करने की। तो इस तरह के जो है कुछ एरर्स थे, और जो अक्सर एग्ज़ाम में जो पूछे गए वो मैंने आपको करवा दिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।